हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चाकी इंस्टीट्यूट से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल पर। और इस चैनल पर इंडिया का बेस्ट स्टडी मिलती है, इंडिया का बेस्ट कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी क्या होती है, वेब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन आपको इस चैनल पर मिलता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना आप लोग। आज मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको कहीं ना मिले, लेकिन मैंने इसको बड़ी रिसर्च किया है, पढ़ाई भी स्टडी कर करके आपको चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि जो मैं चार्ट लिया हूँ ये बजाज ऑटो का चार्ट है, ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस पर आगे आने वाला जो टाइम है ये कौन सा मूव होगा, मतलब ये कैसे मूव करेगा। ये जो प्राइस देख रहे हैं हम लोग, जस्ट वन मिनट गाइज। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो प्राइस है वो कैसे मूव करेगा। आप देख सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम पर जो हम स्टडी कर रहे हैं, एक मिनट, तो यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, अब देखो इस चीज को, तो धीरे धीरे प्राइस मूव की हुई है। यहां से प्राइस जो है बहुत स्लो मूव की है, राइट। इसके प्राइस में बहुत अच्छा मूव हुआ है और लंबा मूव हुआ है। तो बाकी सारे बुक से पढ़ोगे कि ये जो पार्ट्स देख रहे हो आप लोग, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स कहीं ना कहीं एक्सटेंशन का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। और इस पार्ट को एक कह सकते हो कि नॉर्मल मूव है, या फिर इसको भी कह सकते हो कि ये भी एक्सटेंशन का पार्ट है अगर सिंगल मूव दिखाई देता है तो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो धीरे धीरे करके जो मूव जाती है इसको हम क्या रीड करते हैं, आप लोग क्या इसको रीड करते हो ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। और दूसरा, इसको मैं रीड करता हूं, इसको मैं एक्सटेंशन रीड नहीं करता। और आप भी कोशिश करो कि इस चीज को एक्सटेंशन रीड ना करें। तो एक्सटेंशन नहीं है तो क्या है, मैं आपको बताता हूं कि क्या है। तो देखो आप इसको, ये जो पार्ट देख रहे हो आप लोग, ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक जो है, पार्ट जो छोटे छोटे मूव में गया है, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। ये सब डिवीजन है। अब सब डिवीजन और एक्सटेंशन में डिफरेंस क्या है, जो एक्सटेंशन होती है वो प्राइस को सीधा लेकर चलती है और अच्छा बाउंस बक्के के प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो सब डिवीजन होते हैं वो प्राइस को बहुत स्लो, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके प्राइस को लेके जाते हैं। तो ये आपको इंपल्स में देखने को मिलेगा, ये जो पार्ट देख रहे हो ये आपका सब डिवीजन है और ये पार्ट आपका एक्सटेंशन का है। आप इसको एक्सटेंशन रीड नहीं करेंगे और इसको आप सब डिवीजन रीड नहीं करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस मैं आगे वाले वीडियो में भी बहुत डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस हमारी सब डिवीजन में चल रही है कि प्राइस हमारी एक्सटेंशन में चल रही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, मतलब ये बहुत अच्छा मूव बन रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें एग्जैक्टली बजाज ऑटो में अब क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि अब जो मूव बन रहा है, इस पूरे मूव को हम जीरो रखेंगे, इसको हम जीरो कंसीडर करेंगे और इसको वन कंसीडर करेंगे। अब मैं इसको यहां बताऊं, अब मैं ये आपका जो पॉइंट है ये जीरो पॉइंट है और ये आपका जो है बजाज ऑटो में ये जो पॉइंट है वो वेव फर्स्ट मूव है और ये आपका सेकेंड मूव है और ये आपका थर्ड मूव है। तो हम देख रहे हैं कि जो वेव फर्स्ट है वो सब डिवीजन में है, वेव फर्स्ट जो है हमारी सब डिवीजन के केस में है
और जो वेब थर्ड है वो नॉर्मल है क्योंकि इसके मूव अच्छी है। तो अब पूरा जो मूव देख रहे हैं तो हम जब इसका रिट्रेसमेंट डालेंगे, अब जब हम रिट्रेसमेंट डालोगे यहां से यहां तक का, तो ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो, ये जो जहां तक ये प्राइस आई है एग्जैक्टली 38.2 पर का बॉटम बनाई है, 38.2% का बॉटम बनाई है। और ये बॉटम जो बना हुआ है ये एबीसी के नेचर से बना हुआ है। अब देखोगे तो इस पॉइंट को हम लोग ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे और इसको सी कंसीडर करेंगे। मैं इसको एबीसी कंसीडर करके बता देता हूं कि ये आपका ए बनेगा, यहां पर ये आपका ए पॉइंट, और ये इररेगुलर ये इरेगुलर ये आपका सी बना हुआ है। तो ये यहां से जो प्राइस गई है ये इरेगुलर, ये फ्लैट करेक्शन है, सॉरी इट्स नॉट इरेगुलर, ये इलॉन्गेटेड फ्लैट करेक्शन है। और यहां पर चौथा वेव बना हुआ है, और जो चौथा वेव बना हुआ है इस पर हमें जो चौथा वेव बना है वो 38.2% पर बना हुआ है। तो इसके बाद प्राइस का जो मूव दिख रहा है आने वाले टाइम पर, हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पार्ट बनेगा वो भी एक्सटेंशन के पार्ट में, ये आपको यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देने को तैयार बैठा हुआ है। मतलब ये आपको वेव फिफ्थ में ऊपर के साइड लेकर जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 38.2% तक जो अगर प्राइस अगर आप इनको मिलती है, अगर इनकेस आपको यहाँ तक का जो लेवल है ये मिलता है दोबारा बाई करने का, तो आप इसको बाई कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप इसका स्टॉप लॉस रखिएगा 50% का। और ये जो 50% का जो स्टॉप लॉस है, जो वैल्यू है 2795 के आसपास आ रहा है, तो इसका 0.618 का जो मैंने रेशियो आपको सिखा रखा उसके रेशियो से आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और आने वाले टाइम पर हम देख सकते हैं कि जो वेव फिफ्थ है वो भी एक अच्छा मूव देने को तैयार बैठी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें नई दी हैं। पहला कि जो छोटे छोटे जो मूव हैं उसको एक्सटेंशन बोला जाता, उसको सब डिविजन बोला जाता है, और जो कंटिन्यू जो मूव होता है जिसमें लंबी मूव होती है, जिसको आप देख भी सकते हो कि इसमें आपको पूरा मूव, आप देखो ये वन दिख रहा है, ये वेव फर्स्ट हो गया, ये वेव सेकंड हो गया, ये आपका वेव थर्ड हो गया, ये आपका वेव फोर्थ और देन फिफ्थ। तो मतलब इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये आपको नॉर्मल मूव है, इसको ट्रेंडिंग इम्पल्स बोलते हैं, और ये सब डिवीजन के साथ गई हुई है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें यूज किया है। इन दोनों चीज़ों को आप अगर आपको पसंद आई हो और तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब की इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।